राम राम। सब मैं प्रिया, मैं हूं मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रो से रिएक्शन में। सो गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं के तू ही बोल फुल वीडियो सॉन्ग पे, और ये है हीरोगिरी मूवी से। इसमें है देव सर, उनके साथ है सैंतिका, और इस गाने को गाया है अरिजीत सिंह ने। तो सबसे पहले हम ये सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। তোর কথা ওঠে আমার কপালে জোটে দারুণ খুশির দল, কে তুই বল, কে তুই বল, কে তুই বল, কে তুই বল। যাওয়ার ইচ্ছে হতেই এলাম কাছে তো, উড়তে বসে তুই তাকালে মনেরই সহ, একটু দূরেই ডাকছে জীবন যাচ্ছে চলে, তাই ভাবছি তোকে আঁকছি কত রঙিন বাহানায়, যদি মনে ধরে আমায় সঙ্গে করে মেঘের মুলুকে চল, তোর কথা ওঠে আমার কপালে জোটে দারুণ খুশির দল, কে তুই বল, কে তুই বল, কে তুই বল, কে তুই বল। লোকেশন ভি কাফি আচ্ছি সুর কি উনহোনে গানে কে হিসাব সে বহুত সে কিসি লোকেশন মে জিন্দা কা সঙ্গ মে অল্প আলো অল্প ছায়া গল্প আমার, আমি যেতে পারি হেসেই বেরোতে পারি অনেক অনেক অতল, তোর কথা ওঠে আমার কপালে জোটে দারুণ খুশির দল, কে তুই বল, কে তুই বল, কে তুই বল, কে তুই বল। মন আমার তোর কিনারে হারালো দিন দাহারে, সে তো আর মানছে না রে এবার ভালোবাসতে আয়, তোর ছায়ার সঙ্গী হব বলতে আয়, আমি যেতে পারি হেসেই বেরোতে পারি অনেক অনেক অতল, তোর কথা ওঠে আমার কপালে জোটে দারুণ খুশির দল, কে তুই বল, 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 কে তুই বল। So guys, ये था सॉन्ग, और सीरियसली मतलब बहुत ही अच्छा गाना था।
जिस तरीके से मतलब अरिजीत पाजी की जैसे ही गाना स्टार्ट हुआ ना, वैसे ही मतलब ये गाना फील करवा देता है आपको, साथ लेके मतलब चलता रहता है कि इतनी अच्छी आवाज लगती है अरिजीत पाजी की। एक तो इतनी अच्छी आवाज, ऊपर से इतनी मतलब स्वीट लैंग्वेज, तो दोनों का मिक्सर और भी ज्यादा कमाल का लगता है। और देवता इतने ज्यादा ऑसम लगते हैं। और मतलब ये इस गाने की एक बात मुझे काफी अच्छी लगी कि जिस तरीके का जो गाना फील दे रहा है ना, तो उसी तरह की लोकेशन पे मतलब शूट की है। अगर कोई और लोकेशन पे अगर ये गाने मतलब शूट करते तो वो वाला फील नहीं आता, तो मतलब लोकेशन का भी बड़ा हाथ होता है। परफेक्ट लोकेशन है, परफेक्ट मतलब आप बोल सकते हो अरिजीत पाजी की वॉइस है, और देवदा और मतलब उनके साथ जो एक्ट्रेस है उनकी केमिस्ट्री इतनी ज्यादा सही लग रही है, इतने कूल वाइब, वो जो कॉस्ट्यूम्स है, पूरा जो सेट जिस तरह से वीडियो ऐसे सामने आता है ना, वो रिजल्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। क्योंकि अगर जैसा मैंने कहा कि अगर कोई भी गाना अगर ज्यादा चलता है तो गाने की लिरिक्स और जो सिंगर है और जो म्यूजिक है वो तो होता ही है मेन, लेकिन साथ ही जहाँ पे गाना शूट किया जाता है, जहाँ पे लोकेशन होती है, हाँ वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कि अगर लोकेशन में अगर वो फील नहीं आ रहा तो वो गाने से ऑडियंस कनेक्ट फील नहीं कर पाती। तो इस गाने में सब कुछ एकदम परफेक्ट था, वोकल से लेके म्यूजिक से लेके लोकेशन, और दोनों मतलब जो एक्टर और एक्ट्रेस मजा आ गया ये गाने सुन के। और देवदा का ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट गाना है। सो गाइस हमें तो ये गाना बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच कि आपने ये वाला गाना सजेस्ट किया उसके लिए। तो गाइस अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल को बनाए रखना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।